आज का यह वीडियो सबके लिए नहीं है, यह वीडियो उनके लिए है जो उस तरह के वीडियोस देखते हैं, जिनको इसकी लत लग चुकी है। इस वीडियो को आखिर तक देखना, मैं आज कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगा, अगर आप उन्हें फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपकी ये आदत छूट जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पॉन्स के बारे में। लेकिन जरा एक बात बताओ, आप पॉन्स देखना क्यों छोड़ना चाहते हो? क्या शायद आपने कहा पॉन्स देखना गलत है? लेकिन क्यों गलत है? और अगर गलत है तो फिर आप क्यों देखते हो? मेरा मोबाइल, मेरा इंटरनेट, फिर ये गलत कैसे? दरअसल पॉन्स देखना गलत नहीं है, लेकिन पॉन्स देखकर जो हम अपना नजरिया बना लेते हैं, जो हमारा बिहेवियर बनता है, जिस तरह की चीजें सोचते हैं और जो गंदी आदतें बना लेते हैं, ये गलत है। क्योंकि पॉन्स देखकर हम अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। हमारे पूर्वजों को जब कोई प्रॉब्लम होती थी तो उसका सॉल्यूशन निकालने में काफी समय लग जाता था, लेकिन आज हमारे पास इंटरनेट है, जिसमें हम अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बस कुछ सेकंड्स में निकाल सकते हैं। इंटरनेट की सबसे अच्छी बात तो यही है कि इसमें हर चीज अवेलेबल है। जो आप चाहते हो उसके लिए बस कुछ वर्ड्स टाइप करो, फिर वो चीज आपके सामने। अगर आप कुछ अच्छा करते हो, अच्छा सीखते हो, तो इसमें आप ही की भलाई है। लेकिन बात तब बिगड़ती है जब आप गलत चीजों की ओर अट्रैक्ट होते हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जब आप उस तरह की वीडियोस देखते हो। और पॉन्स एक इंसान को किस हद तक नुकसान पहुंचाती है, ये मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन या आई बटन में क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम बात करने वाले हैं कि आप अपने इस आदत को कैसे छोड़ें। पर उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आप पॉन्स किसमें देखते हो? शायद मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा मोबाइल में। आप पॉन्स कब देखते हो? शायद रात में या जब अकेले होते हो। इन्हीं सवालों में आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है, क्योंकि आप ही सोचो ना, आप फैमिली के साथ बैठकर तो पॉन्स नहीं देखते हो ना। अगर आप वाकई अपने इस आदत को छोड़ना चाहते हो तो सबसे पहले इन सब चीजों के बारे में सोचना ही बंद कर दो, क्योंकि जितना आप इन सब चीजों के बारे में सोचोगे उतना ही आपका मन इसे देखने का करेगा, और फिर आप खुद को रोक नहीं पाओगे। इसलिए पहले अपने बॉडी के गलत आदतों को बदलो, वरना यह आपका माइंड चेंज कर देगा। कभी भी रात में अकेले मत सो, ज्यादा से ज्यादा घर के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, जितना जरूरी हो उतना ही मोबाइल और इंटरनेट का यूज करो। फालतू की चीजें इंटरनेट में देखना और सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करना बंद करो। आप जब तक बिना मतलब के इंटरनेट यूज करते रहोगे, आपके दिमाग में बार बार वही सब चीजें आती रहेगी, और फिर आपका माइंड चेंज होने लगेगा। और इसी मोमेंट में अगर आप खुद को नहीं रोकते हो, फिर आप इतना उत्तेजित हो जाओगे कि खुद को रोकने का मन ही नहीं करेगा, और दिन प्रतिदिन आपका ये जो आदत है, ये आप पर हावी हो जाएगा। जितनी भी बातें मैंने अभी आपको बताई, आप एक बार इसे फॉलो करके देखो, आपको अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बी मोटिवेट चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। धन्यवाद।